आई एम स्टार्टिंग चैप्टर टू फॉर सेवेंथ क्लास साइंस. चैप्टर टू द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. क्या नाम है इसका? न्यूट्रिशन इन एनिमल अर्थात जंतुओं में पोषण. चैप्टर का नाम है जंतुओं में पोषण. तो बच्चों इसमें हम सबसे पहला जो पॉइंट है वो डाइजेशन है. डाइजेशन क्या है कि हम डिफरेंट टाइप के फूड आइटम लेते हैं बच्चों, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया एक्सेट्रा. लेकिन हमारा बॉडी इनको इसी तरह से यूज में नहीं ले सकता जैसे कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को. हमारा बॉडी जो है इसी रूप में यूज नहीं कर सकता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अर्थात जटिल पदार्थ. इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है अर्थात ग्लूकोज में. तो इस तरह से हमारे जो भोज्य पदार्थ है उनको सिंपल सब्सटेंस में हमें ब्रेक डाउन करना होता है और इस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन. यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन अर्थात जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना डाइजेशन है, पाचन है. डाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन. नेक्स्ट टॉपिक है 2.1 डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड. अर्थात देखते हैं आप हमारे इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग रूपों में जीव पाए जाते हैं, जैसे बी या ह्यूमिंग बर्ड्स जो मक्खियां इधर उधर फूलों के आसपास घूमती रहती हैं, ह्यूमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं. तो ये सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट, जो फूलों वाले पौधे होते हैं उसे नेक्टर चूसते हैं. सक का मतलब चूसना, एक तरीका हो गया. दूसरा इन्फेंट ऑफ ह्यूमन, मानव शिशु. मानव शिशु मदर का मिल्क फीड करता है, खाता है भोजन के रूप में. यानी कि इन्फेंट ऑफ ह्यूमन फीड ऑन मदर्स मिल्क, यानी मां के दूध पर को या मां के भोजन को या दूध को भोजन के रूप में यूज करता है, यानी मां के दूध पर निर्भर रहता है इन्फेंट जो मानव शिशु है. स्नेक, स्नेक जो छोटे छोटे जंतु जैसे फ्रॉग हो गया, क्या हो गया? मेंढक. वो इसको निगल लेता है, बाद में इसको डाइजेस्ट करता है, पहले ऐसे कैसे ही निगल जाता है, स्वॉलो करता है. एक्वेटिक एनिमल्स जो जलीय जंतु हैं वो वाटर में रहने वाले फूड पार्टिकल्स को फिल्ट्रेट करते हैं और फिर उनको खा लेते हैं बच्चों. तो क्या लिखा है? एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर द फूड पार्टिकल इन वाटर. पानी में जो उपलब्ध भोजन के कण होते हैं उनको फिल्टर करते हैं और एंड फीड अपॉन देम और उनको खा जाते हैं. तो ये रहा कि अलग अलग जीवों में भोजन की जो हैबिट होती है वो अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन. तो बच्चों एलिमेंट्री कैनाल लेंगे तो अब सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है. आप देख रहे हैं ये वाले डायग्राम पर फोकस करें अपना. देखिए ये यहां से माउथ से शुरू होकर के एनस तक एक ट्रैक्ट बना हुआ है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहें तो आहार नाल. बच्चों इसमें माउथ यानी कि माउथ से स्टार्ट हुआ है जहां बक्कल कैविटी है और इस तरह से इसमें यहां फूड पाइप है जिसको ओएसोफेगस के नाम से भी जानते हैं. और ये वाली जो बड़ी ये आप देख रहे हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टमक है. इधर जो ये पार्ट है लीवर है, लीवर से बाइल जूस पैदा होता है जो गाल ब्लैडर में, जो ये आप ये जो छोटी संरचना देख रहे हो गाल ब्लैडर कहते हैं, इसमें इकट्ठा होता रहता है. इसी के पैरेलल स्टमक के पैरेलल एक ग्लैंड होती है जिसको पेंक्रियास ग्लैंड कहते हैं बच्चों, हिंदी में इसको अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है.
फिर इसके बाद ये वाला जो भाग है जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है, है? ये वाला भाग जो है यहां इसके नीचे है, और बच्चों इसके यहां देख रहे हैं ये बड़ी जो एक तरह से ये चौड़ा भाग है, इसको लार्ज इंस्टेंटाइन कहते हैं बच्चों। लार्ज इंस्टेंटाइन के बाद रेक्टम होता है जहां मल इकट्ठा होता है, है? और यहां पर एनस होता है, समझे? इस तरह से ये टोटल पार्ट्स हैं एक तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो अब होता क्या है बच्चों, अभी हमने आपको इस डायग्राम के बारे में समझाया, ये डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है बच्चों। अब इसमें कौन कौन से पार्ट पाए गए, बक्कल कैविटी, फूड पाइप ऑइसोफेगस कहते हैं इसको, स्टमक, स्मॉल इंस्टेंटाइन छोटी आंत, लार्ज इंस्टेंटाइन बड़ी आंत, इसको बच्चों पेट कहते हैं, इसको फूड पाइप यानी जिससे मुंह से नीचे की ओर भोजन आता है जो गले में है यहां से, और इसको ऑइसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। और ये बक्कल कैविटी जो मुंह के अंदर का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। अब बच्चों बात आती है कि बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है। एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, आप देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड यहां पर, सलाइवरी ग्लैंड से क्या उत्पन्न होता है, ये एक सलीवा पैदा करती है, लार पैदा करती है। ये क्या काम करता है, भोजन में स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, यानी सलीवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इन द शुगर, ये इसका यानी पाचन क्रिया माउथ से स्टार्ट हो जाती है बच्चों। अब माउथ के अंदर एक तो ये सलीवा ग्लैंड हो गई जिससे सलीवा निकलेगा जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एक होती है टंग, जिसको जीभ के, जीभ आप सब जानते हैं, जीभ हमारे मुंह के अंदर जीभ है, और जीभ का कोई एकाध कार्य नहीं है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए इनके काम क्या है, पहला तो टॉकिंग, बातचीत करने में हमारे जीभ का यूज होता है, जब भी हम बोलते हैं विदाउट टंग्स हम वी कैन नॉट स्पीक। दूसरा टेस्ट फाइंड करना फूड में कि वो बिटर है या साल्टी है, अर्थात कड़वा है भोजन या मीठा है, है आदि आदि, क्योंकि इसमें जो है टेस्टिंग बर्ड होती है बच्चों। इसी के जैसे आप देख रहे हैं टेस्टिंग बर्ड, जरा ये टंग देखिए, जीभ है ये यहां पर, इसके अंदर डिफरेंट बर्ड्स हैं बच्चों। ये वाला पार्ट देखें जरा टंग्स का, ये स्वीट टेस्ट को फाइंड आउट, इससे पीछे फिर साल्टी टेस्ट को फाइंड करने के लिए वर्ड होती है, इसके बाद सावर टेस्ट को फाइंड करने के लिए वर्ड होती है, यहां पर बिटर टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए वर्ड होती है। इसलिए अलग अलग बर्ड्स अलग अलग टेस्ट फाइंड आउट कर सकती है बच्चों। अब बात आती है कि टंग्स जो है होती क्या है, फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है, अर्थात एक तरह से मासल ऑर्गन है, और इसका जो बैक पार्ट होता है वो माउथ फ्लोर से ऐड होता है, और जो फ्रंट पार्ट होता है वो ऑल राउंड मूव कर सकता है, यानी कि अपनी जो है गति कर सकता है, मतलब घूम सकता है मुंह के अंदर सभी दिशाओं में। अब ये रहा कि भाई टंग्स के बारे में आपको बता रहे थे, फिर ये आपको बताया कि भाई टॉकिंग बात करने के काम आती है जी, मिक्सिंग द सलवाइवा जो सलीवरी ग्लैंड से जो सलीवा निकलता है उसको मिक्स करने के काम आती है टंग्स, और स्वालिंग द फूड भोजन को निगलने के काम आती है बच्चों, और टेस्ट फाइंड करने के लिए, टेस्ट ऑफ द फूड फाइंड आउट करने के लिए टंग्स का। तो देखिए टंग्स का बहुत बड़ा वर्क है हमारी बॉडी में। अब इसके बाद में टंग्स के बाद लेते हैं टीथ, टीथ जो एक तरह से बोन्स हड्डियों से बना हुआ भाग है, कैल्शियम वगैरह फास्फोरस से है। तो अब इसका भी आप जानते हैं टीथ का, तो जब भी भोजन खाते हैं आप उसको भोजन को चबाने काटने में पीसने में इत्यादि रूपों में
काम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि टीथ जो है वो सबसे पीछे की ओर मोलर, फिर उसके बाद प्री मोलर, फिर कैनी, फिर इंसिजर, इस तरह से हमारे जो है टीथ होते हैं। अब जरा यहां देखेंगे टाइप ऑफ टीथ में इंसिजर टीथ। बच्चों ये भोजन को काटने का काम करते हैं। इंसिजर का क्या फंक्शन है फूड में, भोजन को काटने का। और बच्चों जितने ऊपर के जबड़े में होंगे नॉर्मली, इतने नीचे के जबड़े में, ऊपर और नीचे के जबड़े में लगभग बराबर बराबर दांत होते हैं, और इनकी मैक्सिमम संख्या जो है वो 32 हो सकती है। बच्चों अब कैसे कैसे होती है ये बताते हैं। सपोज जो लोअर जो है उसमें इनकी संख्या 4 और अपर जो में भी 4 ही होती है, निचले जबड़े में भी 4 और ऊपरे जबड़े में भी 4 होती है। किसकी संख्या? इंसिजर्स की। तो टोटल कितने हो बच्चों? 8। इसके बाद क्या है जो भोजन को चीरने और फाड़ने में काम आते हैं, भोजन को चीरने और फाड़ने में, ये 2 नीचे के जबड़े में और 2 ही ऊपर के, यानी कि लोअर और अपर जो में, ये 2 और 2 होते हैं, अर्थात टोटल 4 पाए जाते हैं बच्चों। फिर तीसरे नंबर के च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, भोजन को चबाना और पीसना। तो च्यूइंग की संख्या है वो 4 निचले पार्ट्स में और 4 ही ऊपर के पार्ट्स में होती है, अर्थात टोटल कितनी हुई? 8। इस तरह से यदि ग्राइंडिंग के लिए करें कहें तो इनकी संख्या 6+6=20 होगी। तो इस तरह मोलर और प्री मोलर यानी कि च्यूइंग यदि बात करें तो इसमें कौन से आते हैं? प्री मोलर। प्री मोलर का मतलब होता है च्यूइंग करने के काम आते हैं, और मोलर का मतलब है ग्राइंडिंग, भोजन को पीसने का काम आते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पार्टिकल्स में। तो इस तरह से बच्चों आपके टोटल जो टीथ हुए वो 8+12+20 टोटल हुए 32। इस तरह से यानी कि 8+4+20=32। तो इंसिजर का क्या काम है? भोजन को काटना। कैनीज का क्या काम है? भोजन को चीरना फाड़ना। और जो प्री मोलर और मोलर्स का है उसका फंक्शन है भोजन को च्यूइंग करना, ग्राइंडिंग करना काम होता है। और इनकी जो संख्या है वो बच्चों 4 जो है प्री मोलर और 4 ही जो है ऊपर वाले जबड़े में, 4 ही नीचे वाले जबड़े में। ऐसे ही मोलर जो है वो 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। टोटल आपका 20 हो गया बच्चों। तो आपको फंक्शन भी बताए, इंसिजर क्या फंक्शन है, कैनीज का क्या फंक्शन है, प्री मोलर एंड मोलर, समझे, प्री मोलर और मोलर का क्या फंक्शन है बच्चों। तो यहां आप देख रहे हैं। इसके बाद हमारे जो टीथ हैं वो 2 सेट में निकलते हैं। एक तो होते हैं मिल्क टीथ। कैसे ना? मिल्क टीथ बच्चों जो छोटे बच्चों में निकलते हैं 6-7 महीने की, जब उनकी एज होती है, जब निकलना स्टार्ट होते हैं, उन्हें फर्स्ट ऑफ टीथ कहते हैं, और इस एज को इन्फेंसी कहते हैं बच्चों। ये दूध जैसे यानी मिल्क जैसे व्हाइट होते हैं, इसलिए इनको मिल्की टीथ के नाम से जाना जाता है बच्चों। और लगभग 6 से 8 साल की एज में ये टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। एक होते हैं परमानेंट टीथ, जिससे कि इन नाम से पता लग रहा है परमानेंट टीथ, ये हमेशा साथ रहने वाले टीथ होते हैं, थ्रू आउट लाइफ यूज होते हैं। और बच्चों सेकंड सेट ऑफ द टीथ है ये, और ये कई बार मतलब हमारे गिर जाते हैं, जैसे ओल्ड एज हो गई, भाई बुढ़ापा है, दांत खराब हो जाते हैं, ऐसे ही डेंटल डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो ये टूट जाते हैं। लेकिन हाँ ये है कि इनके टूटने के बाद ये दोबारा आते नहीं है बॉडी के अंदर बच्चों। एक होते हैं टीथ डिके। टीथ डिके क्या है बच्चों? जनरली हमारे माउथ में बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। लेकिन कई बार हम दांतों की सफाई नहीं करते, कॉलगेट नहीं करते, ऐसी स्थिति में जो फूड पार्टिकल हमारे टीथ में फंस जाते हैं उन पर हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। जो फूड पार्टिकल्स को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात ये एसिड हमारे
टूथ के जो ऊपरी आवरण है उसको डैमेज करता है और हमारे टीथ खराब होने लगते हैं। इस तरह से डैमेज करता है टीथ को। तो हार्मफुल बैक्टीरिया एक्ट द रिमेनिंग फूड आइटम इन द टीथ एंड फॉर्म एसिड एंड एसिड डैमेज द टीथ एंड दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसलिए हमें रोजाना जो है दांतों की सफाई करनी चाहिए, कोलगेट करना चाहिए। समझे? ये आपको मैंने समझा ही दिया सारा। ठीक है, दिस इज एंड ऑफ माई वीडियो। नेक्स्ट आई विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम।